नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको एक्सटेंड वारंटी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कार खरीदते समय वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, अतिरिक्त वारंटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज का टॉपिक दोस्तों इसी के ऊपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, जब हम कार खरीदने डीलर के पास जाते हैं, तो डीलर हमें ऑफर करता है कि आप अपनी कार की वारंटी को भी एक्सटेंड करवा लीजिए, और हम उसकी बात में आके वारंटी को एक्सटेंड भी करवा लेते हैं। क्योंकि कुछ कार कंपनी कार पे 2 साल की वारंटी देती हैं, कुछ 3 साल की, कुछ 4 साल की, 5 साल की, अलग अलग कार कंपनी अलग अलग तरीके से वारंटी ऑफर करती हैं। और जो हम एक्सटेंड वारंटी, अपनी अतिरिक्त वारंटी लेते हैं दोस्तों, उसका भी चार्ज अलग अलग होता है। अगर बात करें ऑल्टो कार की, तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपसे चार्ज किए जाते हैं, और अन्य कार हैं उनसे और भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, किसी से 6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार। जिस तरीके आप कार लेंगे उस हिसाब से वारंटी का चार्ज आपसे लिया जाएगा, एक्सटेंड वारंटी का। तो एक तरह से ऑल्टो की ही बात कर लेते हैं हम। ऑल्टो में आपको 40,000 किलोमीटर या 2 साल की वारंटी मिलती है। मतलब अगर आपकी कार 2 साल के अंदर 40,000 किलोमीटर चल जाती है, तो उसी टाइम आपकी कार की वारंटी ख़त्म हो जाएगी, या 2 साल तक अगर 40,000 किलोमीटर नहीं चलती, तो 2 साल तक आपको वारंटी मिलती रहेगी। और अगर हम अतिरिक्त वारंटी ले लेते हैं 5 से 6 हज़ार रुपये दे के, तो आपको 5 साल की वारंटी मिलती है, यानी कि 5 साल तक आपको वारंटी कंपनी प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह से वारंटी का एक्सटेंड कराने वाला खेल होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, वारंटी को एक्सटेंड करवाना कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। अब ये किस कंडीशन में आपको एक्सटेंड करवानी चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपकी कार दोस्तों 2000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा चलती है मंथली, तो आपको वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहिए। और अगर आपकी कार 1000 किलोमीटर या उससे कम चलती है, तो आपको एक्स्ट्रा वारंटी नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी कार 1000 किलोमीटर चलेगी दोस्तों, तो साल में करीब 12000 किलोमीटर चलती है, यानी 2 साल की कंपनी वारंटी देती है, 24000 किलोमीटर आपकी कार चलेगी। यानी कि 40,000 किलोमीटर जो कंपनी वारंटी देती है, आप उतनी कार नहीं चला पाए 2 साल में, तो इसका मतलब ये है 40,000 कंपनी वारंटी दे रही है, आप रेगुलर कंपनी पे सर्विस करा रहे हैं, डीलर पे सर्विस करा रहे हैं अपनी कार की, तो 40,000 किलोमीटर तक आपकी कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप निश्चित हो जाइए दोस्तों कि 4 साल तक आपकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आपकी कार अगर 2000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा चलती है, हम मान लेते हैं 2000 किलोमीटर चलती है, तो साल में आपकी कार करीब 24000 किलोमीटर चलेगी, और 2 साल में आपकी कार की वारंटी 2 साल से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि 40000 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी कार चल जाएगी, इस कंडीशन में आपको वारंटी लेना बनता है। अगर आपकी कार 2000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा चलती है, तो आपको अपनी कार की वारंटी एक्सटेंड करवा लेना चाहिए। 5000 या 6000 जो भी चार्ज लगे, वो देकर आपको अपनी कार की वारंटी एक्सटेंड करवाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी कार 2000 किलोमीटर चलती है, तो 1 साल में 24000 किलोमीटर होती है, और 2 साल में आपकी 48000 किलोमीटर गाड़ी चलती है, यानी 2 साल से पहले ही आपकी कार की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और 4-5 साल के लिए अगर आप एक्सटेंड करवाएंगे, तो आपको डबल से भी ज़्यादा वारंटी पीरियड का टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाया था दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए किस कंडीशन में वारंटी लेना चाहिए। क्योंकि ये एक डीलरशिप का खेल होता है दोस्तों, क्योंकि 5 साल की अगर आप वारंटी लेंगे, तो एक तरह से आप डीलर से बंध जाएंगे। वो ऐसे कि आपको 5 साल तक अपनी कार की वारंटी को लागू रखने के लिए डीलर से ही सर्विस कराना पड़ेगी। डीलर के पास आपको हर सर्विस कराने जाना पड़ेगा, जिससे डीलर अतिरिक्त कमाई करता है, और डीलर के कहे अनुसार ही आपको अपनी कार के पार्ट्स चेंज करवाना पड़ेंगे। जब जब वो बोलेगा, इतने हज़ार किलोमीटर आपका ब्रेक शू चेंज होना है, इतने पे कूलेंट चेंज होना है, इतने पे ये चेंज होना, तो आपको वो करवाना पड़ेंगे। यानी कि ये एक स्कैम है, मैं बताऊँ आपको, एक वारंटी का झांसा दे के लोगों से
अतिरिक्त पैसा ऐंठने का तरीका है डीलरशिप का। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बात बिल्कुल सही है। अगर आपकी कार ज़्यादा चलती है तो आप वारंटी को एक्सटेंड करवा लीजिए, और अगर आपकी कार साल में 12,000 या 15,000 किलोमीटर चलती है तो आप अपनी कार की वारंटी को एक्सटेंड ना करवाएं। आप अपनी कार की वारंटी को एक्सटेंड ना करवाते हुए नॉर्मली जो वारंटी मिलती है आप उस पर कराएं। आपकी कार में 40-50 हज़ार किलोमीटर पे कुछ भी नहीं होने वाला है इंजन में, यहाँ तक कि आपकी कार में 1 लाख किलोमीटर में भी कुछ नहीं होने वाला है। छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं वो समय समय अनुसार चेंज हो जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट कब चेंज होता है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ऑल्टो कार में, वेगनार कार में, सेलेरियो कार में कौन सा पार्ट्स कितने टाइम पर चेंज होता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।